जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक बहुत ही कमाल की दोस्तों सेटिंग लेके हम, अगर आपके पास भी जैज़ की सिम है और आपके पास 4G मोबाइल होने के साथ साथ 4G सिम भी है और आपके पास इंटरनेट फिर भी स्लो चलता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है, आपने जो इंटरनेट की सेटिंग की है वो ठीक तरीके से नहीं की। आज की इस वीडियो के अंदर आपको यही बताने वाला हूँ किस तरीके से प्रॉपरली दोस्तों तरीके से आप किस तरीके से जैज़ की 4G सेटिंग कर सकते हैं और ज़्यादा इंटरनेट स्पीड से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 20-30-25 MB तक दोस्तों ये स्पीड देखने को मिलेगी। किस तरीके से करनी है तो बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी आपके पास मोबाइल है आपने उस मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेना है। जैसे ही सेटिंग ओपन करेंगे आपने यहाँ पे ऑप्शन तलाश करना है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने सेटिंग करनी है जैज़ की, तो आपने यहाँ पे जैज़ की जो सिम है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैज़ की सिम को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे इसके बाद दोस्तों आपने सबसे पहले एक सेटिंग छोटी सी कर लेनी है। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन शो हो रहा है प्रेफर नेटवर्क टाइप, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का यहाँ पे दोस्तों इंटरनेट 3G में चलता है या 2G में चलता है, वो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि उनका यहाँ पे जो है वो 2G सिलेक्ट होता है। ठीक है, अगर 2G सिलेक्ट होगा तो आपका इंटरनेट 2G पे चलेगा, अगर 3G होगा तो 3G। आपने यहाँ पे हमेशा प्रेफर LTE रखना है, 4G ही रखना है, क्योंकि आपने 4G स्पीड से तब ही फ़ायदा हासिल कर सकेंगे जब आपका यहाँ पर पहली सेटिंग ये दुरुस्त होगी। इसके बाद आपने एक्सेस पॉइंट नेम्स को, अब हमने उस सेटिंग को क्रिएट करना है यानी कि इंटरनेट सेटिंग को यहाँ पे बनाना है। वो किस तरीके से बनाएंगे, एक्सेस पॉइंट नेम पे आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने न्यू APN पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू APN पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपने दोस्तों यहाँ पे नेम पे क्या लिखना है ये आपने यहाँ पे लिख लेना जी जैज़। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम आपने ऐसे ही लिखना है, मैं यहाँ पर जैज़ लिखता हूँ। जैज़ लिखने के बाद इसके बाद आपने APN की जगह पर क्या लिखना है, ये जो APN है यहाँ पर आपने लिखना है जी जैज़, उसके बाद इंटरनेट, जैज़ इंटरनेट 4G लिखने के बाद इसको भी आपने यहाँ पे ओके कर लेना है। उसके बाद यूज़र नेम पे आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने नीचे आ जाना है यूज़र नेम पे, जो मैं इसी तरीके से खाली छोड़ रहा हूँ आपने वहाँ पे कुछ भी नहीं टाइप करना है। ठीक है जी, यहाँ पे अपने यूज़र नेम पे आने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है जी जैज़ लिखने के बाद आपने फिर नीचे आ जाना है। नीचे आपको एक पासवर्ड छोड़ रहा है, पासवर्ड पर आपने यहाँ पर 2222 लिख के इसको भी यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही इसको सेव करेंगे और इसके बाद आपने यहाँ पे दोस्तों एक नीचे सेटिंग करनी है APN टाइप की। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है APN टाइप। ठीक है जी, APN टाइप पे आपने लिखना है जी DEFAULT डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी, ये स्पेलिंग आपके बिल्कुल दुरुस्त हो ये लिख के आपने यहाँ पर ओके कर देना है। और इसके बाद आपने एक और यहाँ पर सेटिंग करनी है बैरियर के नाम से, ये सेटिंग है इसको आपने यहाँ पर LTE कर देना है, इसको अनस्पेसिफाइड से हटा के LTE का के यहाँ पे ओके कर देना है। अब दोस्तों कुछ इस तरीके से आपकी ये सेटिंग हो जाएगी, जो जो चीज़ें मैंने एंटर की हैं सेम आपने इसी तरीके से एंटर कर देनी है और इसको यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है जी, सेव होगी। अब ये सेटिंग सेव तो हो चुकी है लेकिन अभी हमने सिलेक्ट नहीं की, सिलेक्ट करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ पर चेक लग जाएगा। ठीक है जी, यानी कि हमारी अब इस सेटिंग पर इंटरनेट जो है वो चलेगा। तो अब दोस्तों आप अपनी स्पीड को चेक करें, आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा दोस्तों स्पीड देखने को मिलेगी।